हसन मुर्तजा साहब आप बोल लेना, फिर उसके बाद मैं देता हूँ। सैयद हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी जी। मैम टाइम पूरा हो गया ना, ये क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप बोले शाह साहब, जी थैंक यू, जी थैंक यू, जी आप बोले शाह साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, उन्होंने जनाब दस दो नो एक्सपायर हो गए, उन्होंने का टाइम गुजर गया सर। नॉट लाइक दिस प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया जी, सार्केज्म नहीं करना, आपने बोलना है, इनपुट देनी है उसको। जी जी जनाब स्पीकर बहुत मेहरबानी जनाब, मैनू एक बड़े अहम इशू ते बोलन का मौका दिता है। जनाबे चेयरमैन, जिस दिन की ये हुकूमत आई है जनाबे चेयरमैन, प्राइस कंट्रोल के हवाले नाल ते बड़े बुरे हालात ने जी। साड़ी सर गुजारिश यह है कि पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियां होंदिया सन, वो कार्रवाई कर दिया सन, कोई प्राइस कंट्रोल रहिंदी है, लेकिन शायद हुकूमत जिहड़ी है ये कमेटियां दे बिल्कुल ही मुखालफ है जी। हाउस दीयां कमेटियां अज तक नहीं बनिया जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कित्थों बननियां ने जी? जनाब स्पीकर हाउस कमेटीज इतनियां जरूरी ने कि उन्हां तों बगैर हाउस मुकम्मल नहीं होंदा, असीं अज तक वो बनाने च कामयाब नहीं हो सके। प्राइस कंट्रोल कमेटीज दे हवाले नाल अगर वेखिए तो साडे जिले च किसे नूं कोई पता नहीं, इवन के डीसी नूं भी नहीं पता कि प्राइस कंट्रोल किन्ने करनी है। जरात वालियां दा दिल करदा है वह टुर पैंदे ने, माल वालियां दा दिल करदा है वह टुर पैंदे ने, हजार रुपए की छोटी जी छाबड़ी वाला बैठा है उन्हें 2000 जुर्माना कर छड़दे ने। कोई जनाब पुछण वाला नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई किसे शह दा थले ग्राउंड ते कुछ नजर नहीं आता। बल्कि वह माफिया जिन्हों का जिक्र इमरान खान साहब भी कर चुके ने, वह माफिया साड़ी प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका जिंदा जागता सबूत है कि एक रात 25-30 रुपये तेल का रेट वधा देंदे ने, ते बिल्कुल हर चीज आम लभण लग पैंदी है। सुबह ना तेल शॉर्ट है, ना डीजल शॉर्ट है, ना पेट्रोल शॉर्ट है, कोई शह नहीं जी। और वह माफिया जेड़े ने जिन्हों के अगे इमरान खान साहब आते सन कि मैं खलो जावांगा, मैं उन्हों का गिरेबान फाड़ लांगा, उन्होंने अगे लम्मे पै गए ने। और खास करके नहीं, इस तरह नहीं, आप जी प्राइस कंट्रोल पे बात करें। और किन्ने पूछा जी ये क्या बात हुई? नहीं प्राइस कंट्रोल हकीकत है, मैं हकीकत दस रहा, इनू किवें मैं दसा भी है किवें गल है। मैं दस रहा कि इस मुल्क दे विच 2 महीने तक पेट्रोल नहीं मिलिया, किसी ने पूछे कि यह की गल है, कोई बंदा नहीं बोलिया। 2 महीने पेट्रोल नहीं मिलिया, दमिश्ता तौर पर शॉर्टेज करके मर्जी के नाल उनके रेट्स जेड़े ने वह बधाए गए ने, और बगैर जकम तो पहले 2 दिन वह रेट्स जेड़े ने माफिया के कहने के उत्ते बधाए गए ने। और अगर असी कह दईए कि लम्मे पै गए हो तो कहते ने यह की होया, वो सर यह होया मेरी जेब से डाका पे, मैनू पता है कि तेल महंगा होया तो कौन लुटिया गया और कौन है बेनीफिशरी है। जनाबे स्पीकर सानू पूछण का कोई हक नहीं। क्या मैं अगर इतने सवाल करा कि चीनी के उत्ते जेड़ा डाका पे तुहाडे बनाए कमीशन ने कहा कि फलाना आदमी डाकू है, उस डाकू नू सेफ एग्जिट नहीं दिता गया, उन्हूं मुल्क तू नहीं नसाया गया, वो आज इंग्लैंड दे विच अयाशियां नहीं कर रहा, फिर मैं किवें कहां कि तुसी माफियाज दे के लम्मे पै गए जे? जनाबे स्पीकर आटे का तुसी वेख लवो, आटे के उत्ते साडे नाल की होया? जदों गंदम खरीदने का टाइम सी साडे कोलों 1400 रुपए मण गंदम ले गई, और जनाबे स्पीकर अज वही गंदम 2700-2800 रुपए मण ते सानू वापस मिल रही है। क्या मैं ना पूछा कि तुसी लम्मे नहीं पै जे? जनाबे स्पीकर हुकूमत बिल्कुल लेट गई है माफियाज दे अगे, अज माफियाज दा राज है। सिंध च भी कुछ होएगा, बीबी जाके पूछ ली, मैं पंजाब की गल कर रहा। गुजारिश यह है कि जनाबे स्पीकर पंजाब है जेड़ा फूड बास्केट होंदा सी, अज असी दरबदर होए हुए हैं। अज साडे कोल कदी चीनी कोई नहीं, कदी शूगर कोई नहीं, सारी कौम नूं शूगर कर दिती ने ते शूगर शार्ट कर दिती ने, शूगर लभदी नहीं दुकानां तों, कौम सारी जिहड़ी है ओह बेचारी शूगर टैसट करिंदी फिरदी है।
जनाब स्पीकर अगर तुसी इत्थे बेहतर गवर्नेंस चाहते हो तो यह लोगों नूं लाओ यह लोग होणगे नलायकां तों नायलां तों जान छुड़ाओगे तो जनाब स्पीकर बेहतरी आएगी वगरना मुमकिन नहीं है और जिस तरीके नाल ये गल्लां कर रहे ने ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर। इजलास का वक्त 4 मिनट बढ़ा देते हैं। जनाब स्पीकर मेरे दो चार जेड़े गिनती दे दोस्त बैठे ने ना बजाय इस गल दे के मैनू क्रिटिसाइज करें सुबह सब्जी लैन चले जान चौरी अख्तर साहब नू मैं गुजारिश करांगा बैठे ने सर इन्हां नू सुबह सब्जी लैन भेजो इन्हां नू पता चले कि सर सब्जी का हाल की है गोश्त का हाल की है जनाब अल्लाह ना करे सब नू अल्लाह सेहत देवे असैम्बली दी दवाइयां एक महीना बंद करा के वेखो इन्हां नू पता चले दवाई 500% महंगी हो गई है जनाब स्पीकर इन्हां नू जनाब स्पीकर 500% दवाइयां महंगिया हो गई ने जनाब स्पीकर कोई पूछने वाला नहीं है वह भी माफियाज दे कोल है कंट्रोल माफियाज ने दवाइया वधाइया ने मैं ना नहीं लवांगा क्योंकि फिर तुसी कहना है एक बंदे का कजन वो अमरीका च बह के सूबा KPK चला रहा है मैं ना नहीं लिया लेकिन जनाब नू पता है अगले दिन भी बैठिया गल हुई सी कहिंदा कजन है उन्हें 500% जनाब दवाइया महंगिया कर दितिया मास्क दे विच सैनिटाइजर दे विच और टीका ठोक के चला गया डॉक्टर सफर के की ना सी उन्दा मैं उदो भी जनाब नू अरज करता सा कि इस मुल्क की बागडोर उन्होंने ना फड़ाओ जिन्हां दे बच्चे भी मुल्क तो बाहर ने जिन्हां दे घर भी मुल्क तो बाहर ने जिन्हां दीआं जायदादां भी मुल्क तो बाहर ने जनाब स्पीकर कोई खुदा का खौफ खा कोई ऐ सर मजबूर कर रहे ने कि मैं जुल्फी बुखारी का नाम लवा मजबूर कर रहे ने मैं डॉक्टर कर रहे जनानी जी आई सी भी छाइंडअप कर सर मैं जो कह रहा कि मैं ना नहीं लेता जी इन्हें जरूर सर मेरे ना लवाने मैं हूं ना नहीं जो ले रहा तो वजीर आजम के बच्चे भी बाहर पाल रहे हैं जी उन्होंने भी पाकिस्तान कोई स्टेट नहीं किचन चलाने वाला भी बाहर चला गया जे वो भी पाकिस्तान चो नस गया जे पाकिस्तान नु लुट के ले गया जे जनाब स्पीकर मजबूर कर रहे गरीब के मुंह खो गए थैंक यू शाह साहब जी थैंक यू शाह साहब हरियाणा के रवैये के खिलाफ जी कमल।